नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली क्षेत्र के चिरकीट गांव में बीते 24 मई की रात हिंदू समाज के लोगों को धन का लालच व झाड़ फूक के बहाने मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए बरगलाने के आरोप में पुलिस ने दो महिलाओं समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें विभिन्न जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही थी। एसपी अनुराग आर्य ने यह बताया है कि अब तक की जांच में यह साफ हुआ कि मुख्य सरगना सिकंदर ही था जिसने धर्मांतरण कराने का प्रयास किया। एसपी ने बताया कि अवधेश पासी बाराबंकी के देवा शरीफ और अन्य 4-5 दरगाहों में जाया करता था, जहाँ उसकी मुलाकात आजमगढ़ के बरदा थाना क्षेत्र के मैनपुर गाँव निवासी सिकंदर से हुई। सिकंदर देवा शरीफ में झाड़ फूक का काम करता था और लोगों की बीमारियां दूर कर अन्य प्रलोभन देकर धर्मांतरण की कोशिश करता था। उन्होंने बताया कि सिकंदर के कहने पर ही अवधेश पासी के घर कव्वाली का आयोजन, जहां अलग अलग तकरीरें की गई, धार्मिक चिन्ह गाड़ कर टोटके किए गए और लोगों को यह भरोसा दिलाया गया कि उनकी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी, आर्थिक समस्या और अन्य कष्ट दूर हो जाएंगे। एसपी ने दावा किया कि इनकी मंशा ये थी कि अगर ये लोग एक बार में मोटिवेट नहीं होंगे तो 3 से 4 बार कार्यक्रम और कराया जाएगा और इनका ब्रेन वॉश कर इनका धर्मांतरण कराया जाएगा, लेकिन पुलिस ने इनके मंसूबे को विफल कर दिया। स्पेशल जांच टीम अपनी जांच जारी रखे हुए है। पता लगाया जा रहा है कि इन 18 लोगों के अलावा अन्य कौन कौन से लोग इस पूरे मामले में शामिल हैं। देवगांव चिरकीहट गांव में धर्मांतरण का एक प्रकरण सामने आया था, जिसमें 18 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। एफआईआर पंजीकृत की गई थी, उनका रिमांड जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा दिया गया था। एक स्पेशल टीम इसमें विवेचना कर रही है। अभी तक यही तथ्य प्रकाश में आया है कि जो उस गांव का रहने वाला अवधेश नाम का व्यक्ति था, वो कई सालों से 5-6 सालों से देवा शरीफ दरगाह जो कि बाराबंकी में है और उसके अलावा 5 दरगाह जो बहराइच में स्थित है वहाँ जाता रहा है। इस दौरान इसकी मुलाकात एक सिकंदर नाम के व्यक्ति से होती है। सिकंदर है जो देवा शरीफ दरगाह में रहता है और ये बीमारी ठीक करने और अन्य इस तरह के प्रलोभन लोगों को देता है और कहता है कि आप मेरे से एक पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करवाएं तो मैं अन्य लोगों को भी बीमारी ठीक कर सकता हूं, उनकी समस्याएं खत्म करा सकता हूं। इसी प्रलोभन के कारण ये अवधेश को कहता है कि अपने गांव में एक आयोजन रखो जिसमें इस तरह की चीज़ें हैं और मैं सभी लोगों के जितने कष्ट हैं वो दूर कर सकता हूं। ये आयोजन कराया जाता है। इस आयोजन की आड़ में इसका जो मकसद था वो धर्मांतरण का था कि किसी भी प्रकार से लोगों को बरगला के प्रलोभन दे के इस तरह की तकरीरें दे के कि अगर वो धर्म अपना परिवर्तन करते हैं तो उनके जितनी बीमारियां हैं या जो घर घर की समस्याएं हैं, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे की किसी को तंगी है, वो सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। और इसको इन्होंने रात को लगभग 10 बजे से ये शुरुआत की, जिसमें अलग अलग तरह की तकरीरें की गई, अलग अलग तरह की टोटके कुछ किए गए, वहाँ पे कुछ धार्मिक इस तरह के चिन्ह थे जिनको गाड़ के और लोगों से उनकी पूजा कराई गई। इसके साथ साथ एक कव्वाली का ग्रुप बलरामपुर से और गोंडा से बुलवाया गया था, जिनके द्वारा अपनी कव्वाली में धार्मिक बातें इस प्रकार से कही जानी थी ताकि लोगों का मन बदल जाए, लोगों का मन परिवर्तन हो जाए और वो इस धर्मांतरण के लिए राजी हो जाए और ये अपने मनसूबे में सफल हो जाए। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि इस तरह का एक आयोजन कराया जा रहा है। पुलिस के द्वारा सादे कपड़ों में वहां पहुंच के पहले चीज़ों को वॉच किया गया कि कौन कौन लोग इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। उसके बाद वहां पुलिस की टीम बाकायदा गई और इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया। मौके से बहुत सारे धार्मिक चिन्ह झंडे बरामद किए गए। विस्तृत पूछताछ इन सभी 18 लोगों से की गई तो यही बात प्रकाश में आई कि ऐसा आयोजन गांव में करा के और अधिक से अधिक लोगों का विचार बदला जाए, उनका मन बदला जाए और अगर ये एक बार में नहीं होता है तो इस तरह के आयोजन 2-3 बार और कराए जाएं। इनका भविष्य में ये प्लान था कि पहली बार में अगर सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो 2-3 आयोजन कराएं जिससे कि धीरे धीरे लोगों का मन बदले और ये अपने धर्मांतरण के इस प्रयास में सफल हो जाए। लेकिन पुलिस की अलर्टनेस की वजह से, पुलिस की सतर्कता की वजह से सूचना समय पर प्राप्त हुई और सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे प्रकरण की विवेचना के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है जो डेली बेसिस पे सर्वलांस के माध्यम से भी और अन्य टेक्निक के माध्यम से भी लोग ये पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें और लोग कौन शामिल हैं। इस जनपद में इस तरह का इनका एक पहला आयोजन था और पहले आयोजन में ही इनको पकड़ लिया गया, तो इनके और पूछताछ की जा रही है कि अन्य किसी जनपद में या अन्य किसी जगह पर इनके द्वारा इस तरह का कोई आयोजन कराया गया या नहीं कराया गया, या और कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह के आयोजन करा सकते हैं या कराए। जो आजमगढ़ का ही रहने वाला है, तो मेन यही है सिकंदर इस पूरे गैंग का सरगना है। सिकंदर के द्वारा ही ये प्रलोभन दिया गया या ये बात कही गई
कि मैं सारी बीमारियों का इलाज करा दूंगा और सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा, क्योंकि वो वहाँ दरगाह पे रहता है और वहाँ लोग जाते हैं, जो लोग वहाँ जाते हैं उनसे वो संपर्क में आके और उनका उनको बरगलाता है। इस तरह की चीज़ें हैं और अगर आप जो बात मैं कहूँगा उसको मानेंगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और सिकंदर क्योंकि अलग तरह के वस्त्र धारण करता है, उसी के द्वारा ये सारे जितने जो कव्वाल पार्टी है, जितने धार्मिक चिन्ह हैं, जितना और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लाए गए हैं, वो सारे सिकंदर के द्वारा लाए गए और सिकंदर के द्वारा ही इस पूरे नेटवर्क का संचालन किया जा रहा था। इसका सब कोई आपराधिक बैकग्राउंड है? अभी तक कोई आपराधिक बैकग्राउंड ट्रेस नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक धार्मिक रूप धारण करके इस तरह की घटना को इसने अंजाम दिया। हम लोग और भी बहुत डिटेल में इसमें जा रहे हैं, जिन जिन जनपदों में इसका मुख्यतः जो बेस रहा है वो बाराबंकी और बहराइच में जो मजार है वहाँ पे ये जाता रहा है, वहाँ से भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि इसकी क्या गतिविधियाँ। कितने लोगों को धर्मांतरण कराने की योजना से कितने लोग मौके मिले लगते वो गांव में एक आयोजन कराया जा रहा था, तो जाहिर सी बात है कि गांव के लोग जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहाँ देखने के लिए पहुँचे थे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कव्वाली सुन बैठ के सुन भी रहे थे, तो लगभग 70-80 लोगों की संख्या थी जो गाँव में उस टाइम पर मौजूद थी। तो जो लोग उसमें आयोजन कराने में शामिल थे पुलिस के द्वारा उन सभी को गिरफ्तार किया। गांव वालों को क्या कहना था, मतलब उनको जानकारी थी किस तरह का धर्मांतरण कार्यक्रम चलने वाला है? गांव वालों को ये जानकारी थी कि ये आयोजन हो रहा है जिसमें कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो उनकी समस्याओं को दूर करेगा, ये इसकी आड़ में धर्मांतरण किया जाता है। वो कहते ही हैं कि आपकी समस्याओं को दूर किया जाएगा और धीरे 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 आदमी का मन बदला जाता है उस तरीके से। तो गांव वालों को ये जानकारी थी कि इस तरीके से हमारा हमारी समस्याओं को दूर किया जाएगा और फिर वो अगली कड़ी उसमें यही होती कि आप अगर अपना धर्म चेंज कर लें तो आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।